देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। क्या आप जानते हैं कि दावत और तबलीग से वाबस्ता होकर मस्जिद की चटाई पर सो जाने और रूखी सूखी खाने वाले इन बाबा जी से आज तक अमेरिका क्यों डरता है? जब नवाज शरीफ ने जनरल जावेद नासिर को आर्मी चीफ बनाना चाहा तो उस मौके पर उन्होंने ये क्यों कहा, इट्स टू लेट, अब तो मुझे आखिरत की तैयारी करनी है। ISI के चीफ जनरल जावेद नासिर ने बोस्निया के नहते और मजलूम मुसलमानों की मदद करते हुए सर्बियन आर्मी को शिकस्त फाश कैसे दी थी? जनरल साहब का शरीफ फैमिली से क्या ताल्लुक था? जनरल जावेद नासिर का प्रोफेशनल करियर कैसा था? और हाँ, वो अब कहाँ होते हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में पाकिस्तान की 75 साल अस्करी तारीख में दाढ़ी रखने वाले इकलौते जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर के बारे में 25 दिलचस्प फैक्ट्स आपसे शेयर किए जाएंगे। नंबर 1, दोस्तों आपने अक्सर सोशल मीडिया पर सफ़ेद दाढ़ी वाले इन तबलीगी बाबा की फ़ोटोज़ देखी होंगी। दुनिया व माफिया से बेनियाज होकर मस्जिदों में दर्स देते नज़र आने वाले ये बुज़ुर्ग कोई और नहीं बल्कि दुनिया की ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के रिटायर्ड DG लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर हैं। नंबर 2, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर पाकिस्तान की अस्करी तारीख के वो इकलौते जनरल थे कि जिन्हें अफवाज पाकिस्तान का सिपा सालार बनाया जाने लगा तो उन्होंने ये कहते हुए आर्मी चीफ का ओहदा लेने से इनकार कर दिया कि अब मुझे आखिरत की तैयारी करनी है। नंबर 3, नवाज शरीफ के छोटे भाई मियां मोहम्मद अब्बास शरीफ और जनरल जावेद नासिर एक साथ तबलीगी जमात में चिल्ले और सहरोजे करते थे। नंबर 4, हमारे नाजरीन के लिए ये बात हैरत से खाली ना होगी कि 90 की दहाई में मियां नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान होते हुए लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर के साथ तबलीगी जमात में सहरोजा यानी 3 दिन लगाते थे। मियां साहब और जनरल जावेद नासिर 3 दिन तक एक मस्जिद में कयाम करते, वहीं खाते पीते सोते और मस्जिद में आए नमाजियों को दीन की दावत दिया करते थे। नंबर 5, जनरल जावेद नासिर बताया करते हैं कि जब मुझे दिसंबर 1983 में मेजर जनरल के रैंक पर तरक्की दी गई तो मैं उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज की तारीख का वो पहला जनरल था कि जिसकी मुकम्मल शरई दाढ़ी थी। नंबर 6, अफगान जहाद के दिनों में रावलपिंडी में असले का बड़ा डिपो बनाया गया था, उस वक्त जनरल जावेद नासिर मिलिट्री इंजीनियरिंग के डायरेक्टर थे। यहाँ 10 अप्रैल 1988 के रोज़ एक ज़ोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में जनाब खाकान अब्बासी समेत कई लोग जान की बाजी हार गए। इस सानहे को ओजड़ी कैंप के नाम से याद किया जाता है। नंबर 7, 14 मार्च 1992 के रोज़ प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के मना करने के बावजूद इंजीनियरिंग कोर के लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर को ISI का डायरेक्टर जनरल बनाया था। नंबर 8, जनरल जावेद नासिर से पहले लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी ISI के चीफ थे, जबकि जनरल जावेद नासिर के बाद आने वाले ISI का नाम जावेद अशरफ काजी था। हैरान कन बात तो ये है कि जनरल जावेद नासिर सोमो सलात के पाबंद और दीनदार फितरत के जनरल थे, जबकि उनसे पहले और बाद में आने वाले ISI चीफ्स की शख्सियात उनसे 180 दर्जे उलट थीं, यानी वो लोग सेकुलर माइंडसेट रखते थे। नंबर 9, जनरल जावेद नासिर चूँकि अफगान वार के दिनों में पाक आर्मी में सर्व करते रहे, यही वजह है कि उनके कई अफगान रहनुमाओं से मरासिम हैं। वो कहा करते हैं कि आज हमें मानना पड़ेगा कि अमेरिका दुनिया की इकलौती सुपर पावर है, लेकिन ये भी सबको मानना पड़ेगा कि अमेरिका बहादुर को सुपर पावर बनाने वाली सिर्फ और सिर्फ पाक आर्मी और अफगान मुजाहिदीन हैं। नंबर 10, मुस्लिम उम्मत के लिए दर्द दिल रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने ISI का चीफ बनते ही ना सिर्फ मुल्क की सरहदों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया के मजलूम मुसलमानों की हर मुमकिन मदद की। नंबर 11, योगोस्लाविया के खात्मे के बाद बोस्नियन मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी गई। सिर्फ 6 हफ्तों में 75% इलाके पर कब्जा हो चुका था और सर्बियन फौज के सरबराह ने मुसलमानों को देखते ही गोली से उड़ा देने के ऑर्डर्स दे रखे थे। इन हालात में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह जनरल जावेद नासिर ने बोस्निया के नहते मुसलमानों की मदद करने का फैसला किया। आर्मी मीडिया की आंखों में धूल झोंकते हुए बहरी जहाज बोस्निया पहुँचा दिए गए, जिन पर लिखा था गिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान। बज़ाहिर तो बहरी जहाज़ खुराक से लोडेड नज़र आते थे, लेकिन हकीकत में उन जहाज़ों में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल थे। बोस्निया के मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी गई।
और फिर चश्मे फलक ने वो नज़ारा भी देखा कि ताकत के नशे में चूर सर्बियन आर्मी को घुटने टेकने पड़े और बोस्निया में एक मुस्तहकिम हुकूमत कायम हो गई। नंबर 12, जनरल जावेद नासिर 80 की दहाई के मशहूर तरीन अरब रहनुमाओं सदाम हुसैन, कर्नल कजाफी और यासिर अरफात के फैन थे। नंबर 13, जनरल जावेद नासिर जैसे दीन पसंद जर्नेल आलमी सुपर पावर और अमेरिका की आंखों में खटकने लगे और फिर अमेरिका का प्रेशर लेते हुए निगरान वजीर आजम मीर बल्ख शेर मजारी ने उन्हें कबल अज़ वक्त मुलाजमत से निकाल दिया। नंबर 14, आज से चंद साल पहले जनरल जावेद नासिर ने सीनियर तज्जिया निगार इफ्तिखार अहमद के प्रोग्राम जवाब दे में इंटरव्यू दिया था। जनरल जावेद नासिर टीवी पर आने और वीडियो बनवाने को गुनाह का काम समझते थे, इसलिए जियो पर रिकॉर्ड करवाए गए इस प्रोग्राम में खास ख्याल रखा गया कि उनका चेहरा नजर ना आए। नंबर 15, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैं सीनियर मोस्ट जनरल था और मुझे आर्मी चीफ बनाए जाने की ऑफर भी हुई, लेकिन मेरा जवाब था कि इट्स टू लेट नाउ, मुझे आखिरत की तैयारी करनी है, लिहाजा अब मुझे कोई भी ओहदा मरूब नहीं कर सकता। नंबर 16, जनरल जावेद नासिर की मियां साहिबान से कराबतदारी किसी से ढकी छुपी नहीं, वो रायवंड में अक्सर शरीफ फैमिली के मेहमान होते हैं। मियां मोहम्मद शरीफ भी जनरल जावेद नासिर से बहुत शफकत किया करते थे। ऐसा बताया जाता है कि नवाज शरीफ की वालदा शमीम अख्तर जनरल जावेद नासिर को बेटा कहा करती थी। नंबर 17, जनरल जावेद नासिर ने अक्टूबर 2002 में जंग जियो ग्रुप के मालिक मीर शकीलुरहमान के खिलाफ एक पेटिशन फाइल की थी। जनरल साहिब के मुताबिक शकीलुरहमान के अंग्रेजी खबरनामे द न्यूज़ में ये मनगढ़ंत और झूठी खबर लगाई गई कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद मतरूका वफक अमलाक बोर्ड के सरबराह की हैसियत से 3 अरब रुपये की करप्शन की और मुल्क से फरार हो गए। नंबर 18, 2011 में अक्वामे मुत्तहिदा के आलमी ट्रिब्यूनल बाई योगोस्लाविया ने पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि जनरल जावेद नासिर को गिरफ्तार करके हमारे हवाले किया जाए। पाकिस्तान ने इस हुक्मनामे को मुस्तरद करते हुए कहा था कि जनरल साहब अपनी याददाश्त खो चुके हैं और वो तफ्तीश के काबिल नहीं। नंबर 19, जनरल जावेद नासिर के छोटे बेटे ने बताया था कि उनके वालिद कुछ अर्सा कबल घर में गिरे तो उनकी याददाश्त चल जाती रही, उनकी याददाश्त सिर्फ और सिर्फ पुरानी आयत और आदीस की हद तक बहाल है। नंबर 20, जनरल जावेद नासिर चूंकि कश्मीरी हैं, यही वजह है कि उनकी शरीफ फैमिली से कराबतदारी है और वो मियां नवाज शरीफ के दूसरे टेन्योर में कुछ अर्से तक उनके एडवाइज़र भी रहे। नंबर 21, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर की पेशा वराना खिदमात के एतराफ़ में उन्हें हलाल इम्तियाज़ और सितारे बसारत के तमगों से नवाजा गया। नंबर 22, जनरल जावेद नासिर की पैदाइश क्याम पाकिस्तान से 11 साल कबल लाहौर में हुई। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंटर करने के बाद 1953 में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी को ज्वाइन किया और यहाँ से उनके अस्करी करियर का आगाज़ हुआ। नंबर 23, 1965 की जंग के दौरान कैप्टन जावेद नासिर पाक आर्मी के इंजीनियरिंग शोबे में अपने खिदमात दे रहे थे, जबकि 1971 में वो प्रमोट होकर मेजर बन चुके थे। नंबर 24, अस्करी ब्लॉक लाहौर कैंट के रिहायशी जनरल जावेद नासिर का ज़्यादातर वक्त आज भी दावत व तबलीग के साथ गुजरता है। नंबर 25, जनरल जावेद नासिर लो प्रोफाइल में रहना पसंद करते हैं और मीडिया नुमाइंदों से खुद को दूर ही रखते हैं। उनकी उम्र इस वक्त 87 बरस है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नासिर।